पर ढूंढ रहे थे ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आपके सामने है, और ब्लैक में भाई ये स्कॉर्पियो S2 S3 नहीं है, ये है स्कॉर्पियो S10। तो एक साथ एक दो स्कॉर्पियो नहीं दिखाई जाएगी, आज की वीडियो में 8-10 स्कॉर्पियो आपको दिखाई जाएगी। तो भाई आज की वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत रेयरली ऐसी वीडियो मैं बनाता हूँ। 5.5 लाख रुपये इस करें, 5.5 लाख। चलिए ठीक है, 5.75 की हमने दिखाई थी आपको, और अब दिखा रहा हूँ आप लोगों को भाई स्कॉर्पियो की सबसे टॉप वेरियंट। और इसका प्राइस जो हम 7,75,000 डिमांड कर रहे हैं, 8 लाख के अंदर भाई मुझे लग रहा है बहुत टाइम बाद मैं दिखा रहा हूँ स्कॉर्पियो S2। नमस्कार जी, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आप सभी का रोमिंग बर्ड यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज की वीडियो बेसिकली हमारी होने वाली है स्कॉर्पियो लवर जो जितने भी है उनके लिए होने वाली है, क्योंकि आज वीडियो में गाड़ियां तो होंगी 8-10 लेकिन सारी गाड़ी स्कॉर्पियो ही होगी। तो आप बिहार से अगर बिलोंग करते हो और ढूंढ रहे थे कि कोई दिखा दे हमें स्कॉर्पियो वीडियो में, तो भाई एक साथ एक दो स्कॉर्पियो नहीं दिखाई जाएगी, आज की वीडियो में 8-10 स्कॉर्पियो आपको दिखाई जाएगी। तो भाई आज की वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत रेयरली ऐसी वीडियो मैं बनाता हूँ जहाँ पे मात्र एक गाड़ी को लेकर और पूरी वीडियो में वही एक गाड़ी दिखाता हूँ, मतलब उसी टाइप की गाड़ी जैसे कि स्कॉर्पियो है तो वही दिखाई जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी है, और जो ढूंढ रहे थे ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आपके सामने है, और ब्लैक में भाई ये स्कॉर्पियो S2 S3 नहीं है, ये है स्कॉर्पियो S10। तो अगर चाहिए थी आपको एक स्कॉर्पियो तो मैं आपको 5.5 लाख रुपये के भी बजट में दिखाऊंगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपको 8 लाख से भी नीचे में आपको स्कॉर्पियो S2 भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग देखिएगा। डीलरशिप की पहले बात कर लेते हैं हम लोग, तो हम लोग पहुँचे हुए अभी अंबे मोटर डीलरशिप पे, यहाँ के स्टॉक आपको दिखाई जाएगी, एड्रेस फ़ोन नंबर फाइनेंस की सुविधा है कि नहीं वो सारा कुछ मैं पूछ के बता दूंगा वीडियो में ही। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बुलाते हैं यहाँ के प्राउड ऑनर को जो कि हमें देंगे सारी गाड़ी की डिटेल। आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो भैया हमारे साथ है, तो भैया एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तो स्कॉर्पियो लवर के लिए वीडियो रहने वाला है। जी जी, स्कॉर्पियो ही दिखाएंगे आज। हाँ जी, मतलब बेसिकली अगर आप स्कॉर्पियो ढूंढ रहे थे तो आज इतनी ज्यादा आपको वैरायटी दिखाई जाएगी। S2, 3, 4, 6 सब 7 सब दिखाएंगे, सारा कुछ दिखाएंगे, ताकि अगर आप लेना चाहते हो तो भाई आप देख लो यहाँ पे, आपको समझ में आता है तो आप लेकर चले जाना। ब्लैक कलर की भी स्टॉक है और बाकी व्हाइट कलर की भी स्टॉक है, थोड़ी ओल्ड से भी। हाँ जी, ब्लैक ब्यूटी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो पहली कार है वो है हमारी स्कॉर्पियो S10 ब्लैक कलर की। भैया क्या डिटेल है इसका? ये 2017 की गाड़ी है। ठीक है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। हाँ जी, लगभग 50 के आसपास चला हुआ है, 52,000 चला हुआ है गाड़ी। ठीक है भैया, 12.5 लाख रुपये रेट, 12.5 लाख। 17 लाख की गाड़ी है S10 ब्लैक कलर में, बिल्कुल डिमांड आता है ब्लैक। हाँ जी, बहुत रेयर है भैया। तो भाई बहुत रेयर आती है ये कलर और ये वाली स्कॉर्पियो S10 ब्लैक कलर में। तो अगर आप ब्लैक कलर में स्कॉर्पियो S10 ढूंढ रहे थे तो 2017 के लास्ट का लगा हुआ है यहाँ पे, 50-55,000 के किलोमीटर आसपास में चली हुई है। साइड प्रोफाइल आप देख सकते हो, थोड़ा सा इन्हेंस किया गया है इसके लुक को। अब कैसे किया गया वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये भाई गाड़ी की जो कलर है वो है, और उसके साथ में अगर आप देखोगे तो ये ऐसी अलॉय व्हील आती नहीं है, इसको कलर करा के ब्लैक कराया हुआ ताकि ज़्यादा अच्छा दिखे, बेहतर दिखे। साथ में अगर एसेसरीज की बात करें तो उसमें भी कोई कमी नहीं है, आप देख सकते हो साइड प्रोफाइल में भी आपको समझ में आ रहा होगा। रही बात अगर इंटीरियर की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डोर पैनल से स्टार्ट करते हैं, आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। स्टीयरिंग पे आते हैं, स्टीयरिंग पे कुछ कंट्रोल्स हैं, एयरबैग का टैग, और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो 12 वॉट की चार्जिंग सॉकेट, टच स्क्रीन, म्यूजिक सिस्टम, डैशबोर्ड आप चेक कर लो, सीट की कंडीशन आप चेक कर सकते हो, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी पीछे से अगर बात करें तो ये है स्कॉर्पियो S10 माइक्रो हाइब्रिड इंजन के साथ में। रेट भैया ने बता दिया है, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन के चांसेस हैं। तो ये बात हो गई हमारी ब्लैक ब्यूटी की। भैया अगली कौन सी स्कॉर्पियो दिखाई? स्कॉर्पियो S2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्कॉर्पियो S2 से। ठीक है, कहाँ पे है भैया? ये है कौन सा? ये S2 है, ये S3 है। ठीक है, ये S6 है। अच्छा, ये भी S2 है, ये S4 है। बहुत ऐसे भी बहुत बढ़िया, तो मतलब बहुत सारा स्कॉर्पियो है। तो S2 से है, और भी है। हाँ जी, उधर भी है। तो स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो S2 से या फिर कहाँ से? S2 ये है। ठीक है, S3 है। ठीक है, S2 से स्टार्ट करते हैं। ये दरभंगा का रजिस्ट्रेशन है, 2016 की गाड़ी है। ठीक है, 8,75,000 रुपये डिमांड। ठीक है भैया, कितना चला हुआ है ये? तो 50 के आसपास। 50 के आसपास, एक्यूरेट किसी का याद नहीं है, कोई 48 चला है, कोई 45 चला है। हाँ जी, कोई 50, 52, 53, 55 यही चला हुआ है। बिल्कुल भाई, क्योंकि
इतनी सारी गाड़ियाँ होती है कि याद कर पाना बहुत मुश्किल है। दरभंगा का नंबर 2016 का आपने बताया भैया, ऑनरशिप फर्स्ट है, ठीक है, ऑनरशिप फर्स्ट है। स्कॉर्पियो S2 आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, वाइट कलर की है, फ्रंट प्रोफाइल आप चेक कर सकते हो भाई। बात कर ले अगर हेडलाइट की वो या फिर बम्पर वगैरह सारा कुछ आप देखिएगा, बहुत ही मिंट कंडीशन में है। हमने से आपने देख लिया, आ जाते हैं हम लोग टायर पे और देख सकते हो जो भैया ने कहा कि बिल्कुल न्यू है, तो आप देख सकते हो आज ही लगा। तो आप चेक कीजिए भाई, टायर की लाइफ मैं क्या ही कहूँ, 110% अभी बाकी है। इस ओर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, दो टायर आज ही लगा, आप देख सकते हो दो जो टायर है वो आज के आज लगा है। आप देखिए यहाँ से पास से आपको समझ में आ रहा होगा, बाकी आइए मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। स्कॉर्पियो S2 की इंटीरियर भाई कुछ इस प्रकार की आपको मिलेगी, जहाँ पे आप सब कुछ चेक कर लीजिए। सोने का म्यूजिक सिस्टम भी है, सीट की भी कंडीशन आप देख सकते हो, रूफ भी अगर बात करें तो नीट एंड क्लीन आपको मिलेगा। बाकी रेट आपको बता दिया गया है, एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ मैं। तो भैया स्कॉर्पियो S2 2016 मॉडल क्या रेट में अवेलेबल है? 8,75,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो ये बात होगी स्कॉर्पियो S2 की। बाजू में स्कॉर्पियो S3 क्या डिटेल है? गया का रजिस्ट्रेशन है, 2018 का S3 है, ठीक है भैया, और 53,000 किलोमीटर चला हुआ है। 53,000 किलोमीटर चला हुआ है, ठीक है। और इसका प्राइस हम 10.5 रखे हुए, आने पे कुछ कम भी करेंगे, आने पे कुछ कम भी करेंगे भाई। तो समझिए 10.5 लाख रुपए आस्किंग प्राइस है 2018 की स्कॉर्पियो S2 के बाद हम लोग S3 दिखा रहे हैं आपको। तो स्कॉर्पियो S2 के बाद S3 आपके स्क्रीन पे है, आप चेक कर सकते हो। वाइट कलर की है, और अगर बात करें टायर की कंडीशन की वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, तो आप चेक कर लीजिए। पीछे भी टायर आप यहाँ से देख सकते हैं भाई। तो ये है साइड प्रोफाइल स्कॉर्पियो S3 2018 मॉडल, 53,000 किलोमीटर चली हुई है, गया रजिस्टर्ड है, फर्स्ट ऑनरशिप पे है। आइए बचा हुआ इंटीरियर वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, चेक कर सकते हो भाई अपने से भी। ये है सोनी का म्यूजिक सिस्टम, सीट की कंडीशन भी आप देख लीजिए, डैशबोर्ड भी आप देख सकते हो, और ऊपर से भी आप देख लीजिए। रेट बाकी आपको बता दिया गया है। तो ये थी हमारी आज की दूसरी, माफ कीजिएगा, तीसरी स्कॉर्पियो, एक ब्लैक और दो हमने ऑलरेडी दिखा दिया, आगे S3 दिखाया है, अब S4 दिखाता है। आइए, ठीक है। तो भाई हमने आपको स्टार्ट तो S10 से किया था, फिर S2 S3 S4 कहाँ है भैया? S4 ये है, ठीक है। 17 मॉडल है, नहीं 15 का मॉडल, अच्छा 15 का है, ये S4 है, ये 15 का मॉडल है, ठीक है। पटना का रजिस्ट्रेशन है, 49,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, ठीक है, फर्स्ट ऑनर है, 8.5 लाख रुपए रेट है, 8.5 लाख रुपए, ठीक है। 8.5 लाख रुपए के बजट में अगर आप स्कॉर्पियो S4 ढूंढ रहे थे, अम्बे मोटर डीलरशिप पे आपके सर्च खत्म हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रंट प्रोफाइल आपके सामने है, वाइट कलर की है, BR01 पटना रजिस्टर्ड है, BR01 PG 2015 रजिस्टर्ड। साइड प्रोफाइल इस ओर से भी आप चेक कर सकते हो। स्कॉर्पियो S4 टायर की कंडीशन आपके सामने है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई क्या है इसका इंटीरियर का कंडीशन। तो ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे डोर पैनल पे नहीं आती है, इसकी जो मिरर कंट्रोलर होती है यहाँ पे आती है बीच में, तो वो आप देख लीजिए। 12 वॉट चार्जिंग सॉकेट, सोनी का म्यूजिक सिस्टम, सीट की कंडीशन भी आप देख सकते हैं। तो सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया, भैया ने रेट बता दिया है। तो अगर आपको डील पसंद आ रही हो तो आप आकर यहाँ से लेकर जा सकते हो। स्कॉर्पियो S4 2015 मॉडल हमने आपको दिखा दिया है, आगे कौन सी दिखाई जाए भैया? S2 एक और है हमारे पास, थोड़ा सस्ता, लोग S2 सस्ता खोजते हैं। हाँ जी, तो 2014 का मॉडल है ये, ठीक है, पटना का रजिस्ट्रेशन है, हाँ जी, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, 55,000 किलोमीटर चली हुई है, ठीक है, और इसका प्राइस जो हम 7,75,000 डिमांड कर रहे हैं। 8 लाख के अंदर भाई मुझे लग रहा है बहुत टाइम बाद मैं दिखा रहा हूँ स्कॉर्पियो S2 पॉसिबल हो पाया मंटू भैया की वजह से। ये रखे हैं आपके लिए एकदम कम बजट में, अगर आप ढूंढ रहे हो स्कॉर्पियो S सीरीज, उसमें स्कॉर्पियो S2, तो 7,75,000 रुपये आप लेकर आइए और गाड़ी लेकर जाइए, उसमें भी कुछ कम करेंगे, जरूर करेंगे भैया का टैगलाइन आपको याद होगा, उसमें भी कुछ कम करेंगे। बाकी फ्रंट प्रोफाइल आप चेक कर लीजिए, पटना रजिस्टर्ड ही है। टायर की कंडीशन की बात करें, आपको अच्छी अभी टायर लाइफ बाकी है इसमें, साइड से भी आप देख सकते हो भाई। और आइए अब चलते हैं हम लोग, जो हम लोग देखते हैं तो भाई ये है इंटीरियर स्कॉर्पियो S2, 7,75,000 रेट है भाई। तो अगर आपको चाहिए तो आप आ जाइएगा, बाद में आप कहिएगा कि गाड़ी नहीं थी, तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो जो पहले आएगा वही पाएगा भाई, उसमें भी कम करा लीजिएगा आप लोग। तो 2014 का नवंबर का है जो कि, तो भाई ऑन पेपर बस 14 है, नहीं तो आप भी जान रहे हो 2015 में ही काउंट अप कर सकते हो। तो भैया स्कॉर्पियो S2 हमने दो दिखा दी, हाँ कौन सी दिखाया? हमारे पास 6 है, 6 दिखाते हैं, चॉइस नंबर है, ठीक है भैया। स्कॉर्पियो S6 सीवर का रजिस्ट्रेशन है, बिल्कुल, और फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, ठीक है भैया। 2016 नवंबर दिसंबर की गाड़ी है ये, हाँ जी, 10 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, 49,000 किलोमीटर गाड़ी चली है, चलिए 50,000 भी टच नहीं की है, 49,000 आने पे कुछ कम भी करेंगे, हाँ जी आने पे कुछ कम भी हो जाएगा। नंबर की अगर बात करें तो भाई आप फ्यूजन नंबर यहाँ पे नंबर प्लेट पे देख सकते हो, बाकी ये है फ्रंट
प्रोफाइल स्कॉर्पियो S6 का, तो सारा कुछ आपको बता दिया गया है। चाहिए तो ये भी कार अवेलेबल है यहाँ पे अपने मोटर डीलरशिप पे फोर्ट सेल। यहाँ पे टायर की कंडीशन आप देख लीजिए, व्हील कैप वगैरह आपको यहाँ पे मिल रहा है। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या है इसका इंटीरियर, तो भाई चेक कर सकते हो आप, आपके सामने है, देख लीजिए कैसा लग रहा है, कमेंट में भी बताइएगा। बाकी अगर चाहिए तो एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा। स्कॉर्पियो S6 आपको दिखा दी गई है, दो स्कॉर्पियो S2 दिखाई गई है, स्कॉर्पियो S3 भी दिखाया है, स्कॉर्पियो S4 भी दिखाया है। बाकी अभी हमारे पास दो स्कॉर्पियो ओल्ड शेप में भी लगी हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल ले लेते हैं। तो मंटू भैया, हमने स्कॉर्पियो S3 पूरी दिखा दी है, ऑलमोस्ट दिखा दी है, एक दो बच गया होगा तो वो बात अलग है। वो तो है हमारे पास, S4 और भी है, सिल्वर कलर का है। हाँ जी, S2 भी 17 का भी है, बिल्कुल, पटना का रजिस्ट्रेशन 16 का भी है, गाड़ियाँ तो सब है, बहुत सारी है, लेकिन एक जगह पे एक साथ बहुत सारी गाड़ी आप कितना लगाओगे। आ जाते थोड़ा सा ओल्ड शेप में भी हमारे पास ऑप्शन है आपके लिए, है ये सस्ता गाड़ी है, ये है गाड़ी 2012 का, ठीक है भैया, SLE 2012 का, पटना का रजिस्ट्रेशन है, 55-60 हज़ार के आसपास गाड़ी चली हुई है, ठीक है, और फर्स्ट ओनर है, बहुत बढ़िया। प्राइस जो है इसका 575 हम डिमांड कर रहे हैं, 575 हज़ार, ठीक है। तो 575 हज़ार की भी बजट में आपको देगी अम्बे मोटर डीलरशिप एक स्कॉर्पियो SLE। अगर चाहिए तो आप लेकर जा सकते हो, देख लीजिए व्हाइट कलर की है, सारा कुछ आप प्रोफाइल चेक कर लीजिए, अगर पसंद आ रहा है तो नंबर और एड्रेस दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंटीरियर की रही बात तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप चेक कर सकते हो। वुडन फिनिशिंग में आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा, तो प्रॉपर अगर भाई अगर आप चाहते हो कि भाड़े में चलाना है कोई एक गाड़ी स्कॉर्पियो, तो ये वाली कार आपके लिए है। 575 हज़ार में भी थोड़ा बहुत कम कर दिया जाएगा। तो भैया ओल्ड शेप में हमने एक दिखा दी है स्कॉर्पियो, GLX है हमारे पास, एक GLX, नहीं चलते हैं एक बार, तो भाई आप लोगों के लिए थोड़ा सा चलिए आकर मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे। तो व्हाइट कलर की एक ओल्ड शेप में हमारे पास स्कॉर्पियो VLX है अम्बे मोटर डीलरशिप के स्टॉक की, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये है व्हाइट कलर की आज की हमारी लास्ट कार। मंटू भैया क्या डिटेल है इसका? ये गाड़ी है 2011 की VLX टॉप मॉडल, उस टाइम का टॉप मॉडल है ये, उस टाइम का, बिल्कुल। जैसे आज S11 आता है, उस टाइम में S10 ही टॉप आई, ये VLX ही टॉप आता था, ठीक है। और ये गाड़ी है 2011 की और 5.5 लाख रुपये इसका रेट, 5.5 लाख। चलिए ठीक है, 575 की हमने दिखाई थी आपको, और अब दिखा रहा हूँ आप लोगों को भाई स्कॉर्पियो की सबसे टॉप वेरिएंट जब आती थी VLX 5.5 लाख रुपये में। इसका भी मैं आपको चाहूँगा कि इंटीरियर आप देख सकते हो, तो भाई आप ये देख लीजिए, इसमें आपको ग्लास वगैरह भी टैन कराई हुई है, जिससे कि आपको धूप में आसानी होगी। तो 5.5 लाख रुपये की बजट की भी आपको दिखा दी गई है, 5.75 लाख की भी आपको दिखा दी गई है। तो आज की वीडियो बेसिकली हमारी थी स्कॉर्पियो के ही ऊपर में, बहुत सारी स्कॉर्पियो हमने दिखाई है, लेकिन अगर आपको लेना होगा तो उसके लिए पहले तो भैया जानेंगे, क्योंकि आज बड़ी कार दिखाई है भैया, लोग सोचेंगे कि फाइनेंस हो जाती तो मज़ा आ जाता। फाइनेंस होगी, फाइनेंस 2013 की के बाद की जो गाड़ियाँ होंगी वो सारी गाड़ियाँ फाइनेंस होगी, 2013 से पहले वाली गाड़ी जैसे 13 की गाड़ी होगी, 12 की गाड़ी, वो फाइनेंस होंगी, लेकिन 1-2 साल के लिए होंगी, बिल्कुल, और बहुत कम पैसा फाइनेंस होगा, बहुत कम होता है, ठीक है। मतलब यूँ समझ लीजिए तो 13 के ऊपर की गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी अच्छे से। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा थोड़ा सा बता दीजिए। डॉक्यूमेंट की जहाँ तक बात है, तो डॉक्यूमेंट आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना बैंक स्टेटमेंट या पासबुक अपडेट करा के आप ला सकते हैं 6 महीने का, ठीक, वो लेके आइए, बाकी प्रोसेस हम यहाँ से करा देंगे, फाइनेंस का, फाइनेंस आपका हो जाएगा, लेकिन पहुँचना होगा आपके तक। तो भैया कैसे पहुँचे? पटना में आना होगा, सबसे पहले तो बोरिंग रोड चौराहा है, आइए वहाँ से 50 मीटर की दूरी पे यस बैंक है, बिल्कुल वहीं पर आइए, उसके सामने ही है हम, आगे हमारा नंबर रहेगा, बात कीजिए, बिल्कुल वहाँ पे आप आ जाइएगा, भैया से मिल लीजिएगा, काफ़ी अच्छी अच्छी कार आपको अच्छे प्राइस में देंगे। तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया के लिए, थैंक यू सो मच। तो भाई आज की वीडियो थी हमारी स्कॉर्पियो के ऊपर में, तो स्कॉर्पियो लवर को बहुत अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है। तो भाई अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना है, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, उससे मोटिवेशन बना रहता है। और ये ब्लैक ब्यूटी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, हमें भी जानना है कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो। तो आज हमने आपको ओल्ड शेप भी दिखाया है, न्यू शेप भी दिखाया है, और स्कॉर्पियो S10 भी दिखाया है। तो लाइक कर दीजिएगा, एड्रेस और फ़ोन नंबर के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। तो पुराने भाई से ये कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए हमारी इस जर्नी में, आगे भी बस जुड़े रहिएगा, आपका भाई इसी तरह से वीडियो लेकर आएगा। नए भाई से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सेकंड हैंड कार के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, बाइक के ऊपर देखना चाहते हो, या फिर कोई भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारा कुछ इस पर अपडेट आते रहता है। तो बस सर आज के लिए तय रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।